फ्रेंड्स, कभी ना कभी आपके माइंड में ये सवाल आया होगा कि मैं जिस डेट को जन्म लिया हूँ उस डेट से लेकर अब तक कितना मिनट हो गया होगा, हमें जन्म लिए हुए कितना सेकंड हो गया होगा, इसके अलावा कितना दिन हो गया, कितना मंथ हो गया, ये सब कभी न कभी माइंड में आता होगा। मंथ, दिन, सप्ताह तक भी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने दिमाग में जोड़ सकते हैं, लेकिन वहीं पे सेकंड और मिनट जोड़ने की बारी आता है तो समझ में नहीं आता है कैसे करें। आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा अगर आप जिस डेट को जन्म लिए होंगे उस डेट से लेकर अब तक में कितना मिनट या कितना सेकंड हो गया है आपको जन्म लिए हुए, इसके अलावा कितना मंथ, कितना सप्ताह, कितना दिन, ये सब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप सिर्फ चुटकी बजाकर अपना डेट, मिनट, सेकंड, जन्मदिन का कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल MI का है तो आपके मोबाइल में ऐसा कैलकुलेटर जरूर होगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम इस कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। ये कैलकुलेटर अब तो बहुत मोबाइल में देखने के लिए मिल रहा है और बहुत मोबाइल में ऐसा फंक्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो नॉर्मली सभी लोग यहाँ पे हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं और ध्यान नहीं देते होंगे क्योंकि इसमें और भी फीचर्स हैं। तो हम यहाँ पे लाइव पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। फाइनेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप करेंसी देख सकते हैं, यानी कि करेंसी पर क्लिक करके आप जो मतलब US डॉलर को इंडिया रुपीस में क्या रेट चल रहा है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज है वो देख सकते हैं, जैसे कि होम लोन का आप EMI कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लाइव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्काउंट देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ देख सकते हैं। तो हम सीधा एज पर क्लिक करते हैं क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ के जैसे बात किया था, तो हम इस पर एज पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऊपर में लिख के आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ आपको, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5, और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे जनवरी, उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ये रहा 1992। तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ओके पर क्लिक किया हूं तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि मेरा टोटल उम्र 28 साल 5 महीना 28 दिन हो चुका है, मेरा अभी तक का जो जन्म दिन है वो इतना हो चुका है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ मेरा है 5 महीना 3 दिन बाद, और यहाँ पे देख सकते हैं साल की बात की जाए तो 28 साल, और नीचे में 28 के नीचे में आप नीचे में देख सकते हैं 10,406 दिन हो चुका है मुझे अब तक, इतने दिन हो गया है जन्म लिए हुए। अगर घंटे की बात की जाए तो हो चुका है जन्म लिए हुए, और मंथ की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 341 मंथ टोटल हो चुका है। सप्ताह की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 14,086 सप्ताह हो चुका है। मिनट देख सकते हैं यहाँ पे 149,85,899 मिनट हो चुका है मुझे अब तक जन्म लिए। अगर आपके मोबाइल में ऐसा कैलकुलेटर नहीं है या फिर आपका MI का मोबाइल नहीं है, तो MI का मोबाइल नहीं होगा तो हो सकता है होगा भी, अगर नहीं भी होगा, अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऊपर में टाइप किया हुआ हूँ एज कैलकुलेटर, और इसको आपको सर्च कर लेना है और आपको ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये देख सकते हैं ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है, ये बहुत अच्छा ऐप है। इसको 4.3 की रेटिंग मिला है और 50 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किए हुए हैं। मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, ओपन पर क्लिक किया हूँ, ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपना सीधा सा डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ फिर से डाल देता हूँ 5, उसके बाद महीना डाल देता हूँ, उसके बाद हम साल डालेंगे,
और कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पे बता रहा है 28 साल 5 महीना 27 दिन इसमें बता रहा है, उसमें 28 दिन बता रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ ठीक बता रहा है, उसमें भी 6 महीना 3 दिन बता रहा था, इसमें भी 6 महीना 3 दिन बता रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 28 साल हो गया मेरा उम्र, और मंथ की बात की जाए 341 मंथ हो गया, टोटल सप्ताह हो गया 1486 और टोटल दिन हो गया 10,406, उसके बाद टोटल घंटा हो गया 249,744 घंटा, और मिनट की बात की जाए तो टोटल मिनट यहाँ पे देख सकते हैं 149,84,640 मिनट हो चुका है अभी तक मुझे जन्म लिए हुए। इसके साथ अगर मैं टोटल सेकंड की बात करूं तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सेकंड अब तक का हो चुका है मुझे 89,90,78,400 सेकंड अब तक मुझे हो चुका है जन्म लिए हुए। ये फ्रेंड्स जैसे कि 9:00 अभी 4 मिनट हो रहा है, तो उसी हिसाब से मतलब 2000 जैसे मेरा 1992 में 5 जनवरी को जो समय हुआ होगा, मतलब वो 9:00 से लेकर अब तक का ये कैलकुलेट करके बता देता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अगला जन्मदिन आने वाला है जो कि ट्यूजडे का आएगा 5 जनवरी 2021 को, और यहाँ पे देख सकते हैं वही नीचे में इस तरह से संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे फ्राइडे और सैटरडे इस तरह करके 2030 तक का जो है यहाँ पे बता रहा है कि मेरा नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आएगा। अब फ्रेंड्स मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे भारत में यानी कि पूरी दुनिया में ही अभी महामारी चल रहा है और हमारे भारत में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग घर से निकलते हैं तो अब बिल्कुल ही कोई भी लोग अपने चेहरा पे मास्क लगा के नहीं चलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हैं, और यही कारण है कि हमारे भारत में दिन ब दिन कोरोना का केस बढ़ते जा रहा है। फ्रेंड्स आपसे प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप अपने आप को ध्यान रखिए, ये सब चीज से बचा कर रखिए, क्योंकि आपका जिम्मेवारी तो आपका आपके अपने परिजनों का सुरक्षा। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने जन्मदिन का समय डेट कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको फायदा होगा। अगर वीडियो पसंद है कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है आपका नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।